आज हम बना रहे हैं दिवाली स्पेशल चिली स्क्वायर, जिन्हें आप एक बार बना लें और महीने भर इन्हें एंजॉय करें। इनका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि ये सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपने एक बार इन्हें बना लिया तो आप चाय के साथ रोज रोज इन्हें खाना जरूर पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, इसे छान लेते हैं। चिली स्क्वायर्स को क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए इसमें 2 टीस्पून सूजी, मोयन के लिए 1/4 कटोरी ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। इसका फ्लेवर चिली स्क्वायर में बहुत ही अच्छा लगता है। 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून सौंफ पाउडर स्वाद अनुसार या 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देते हैं। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके अगर इस तरह गोल सा बन रहा है तो इसका मतलब है कि आटे में मोयन एकदम परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा टाइट डो तैयार करेंगे। देखिए आटा ऐसा होना चाहिए। 10 मिनट आटे को रेस्ट करने देते हैं। अब इसमें हम 1 कटोरी बेसन डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून सौंफ पाउडर और 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। 10 मिनट इसे भी रेस्ट करने देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। आटे के डो को थोड़ा और गूद कर चिकना करेंगे। अब आटे की 2 लोई लेंगे। हमें इन्हें पूरी की तरह थोड़ा सा मोटा बेलना है। दोनों लोई को इसी तरह बेल लेंगे। बेसन वाले डो से भी 1 लोई लेकर उसे भी रोटी की तरह बेल लेंगे। हमने तीनों को बेल लिया है। अब आटे वाली रोटी के ऊपर बेसन वाली रोटी रख दें और इसे आटे वाली रोटी से कवर कर दें। किनारों को थोड़ा सा इसे दबा दें। अब इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलने के लिए इसका सरफेस थोड़ा सा कम है, मैं इसे थाली पर रख लेती हूँ। अब इसे फोर्क या नाइफ से थोड़ा सा गोद लेंगे। अब हमें इन्हें कट करना है। मैं इन्हें स्क्वायर्स में कट कर रही हूँ, आप इन्हें अपनी मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने इन चिली स्क्वायर्स को कभी ट्राई किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। यकीन मानिए, इस तरह बेसन और आटे के कॉम्बिनेशन से बने हुए ये चिली स्क्वायर खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आते हैं। आप इन्हें इस तरह फ्लावर की शेप भी दे सकते हैं, ये भी देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। आप गर्म ऑयल में 1 पीस डालकर चेक करिए। अगर इस तरह से ऑयल में बुलबुले आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑयल एकदम परफेक्ट गर्म है। हमें मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई करना है। इन्हें दोनों तरफ से उलटते पलटते गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हमने सारे चिली स्क्वायर्स फ्राई कर लिए हैं। ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी हैं। देखिए, ये फ्लावर की शेप वाले भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको ये चिली स्क्वायर कैसे लगे? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।